वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और हमारे स्टीव की अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। आई मीन पहले तो एक ही चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। सोचो बेचारे को कितना दुख होता होगा कि हमारे स्टीव के पास इमोशन नहीं है, कि हमारे स्टीव के पास दिल नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि लास्ट वीडियो में उसके हाफ फर्टी था, लेकिन फिर भी है जो धड़कता है, जिसे प्यार की जरूरत है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे स्टीव के पास भी एक स्टीवनी होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? आखिर देखो इस चेहरे को, क्या कमी है इस चेहरे में? दो बड़ी बड़ी आंखें, स्क्वायर जैसा मुंह, और बेचारा कुछ बोलता भी नहीं है। बस लायक है क्या यार? ऐसे बंदे के पास भी गर्लफ्रेंड नहीं है तो हम जैसों का क्या होगा? आखिर क्या कमी है हमारे स्टीव के पास? ये देखो, बंगला है, पैसे है, गाड़ी है, प्लेन है। एक सेकेंड, गाड़ी और प्लेन तो नहीं है उसके पास। ओ, अब समझ में आया। स्टीव के पास गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि इसने आज तक ढूंढी ही नहीं। ना तो इसके पास गाड़ी है, ना प्लेन है, तो ये बेचारा गर्लफ्रेंड ढूंढेगा कहाँ से? तो आज यही हमारा मिशन है कि हम अपने स्टीव के लिए लड़की ढूंढेंगे, और उसके लिए पहले हम गाड़ी बनाएंगे। क्या लॉजिक लगाया ना मैंने। तो चलो, अभी हमारा काम हमें पता चल गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो गाड़ी बनाने का सामान मुझे कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे टिकटॉक हैक्स ट्राई किए हैं, लेकिन अभी तक गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर तो भाई विलेजर्स ही विलेजर्स है। ये तो एकदम भर के बेवकूफ लगते हैं मुझे, जब देखो मुंह हिलाने का काम है इनका। यार ये मशीन मेरी सबसे बेस्ट मशीन है। ओ देखो देखो, ये अंदर कैसे फंस गया यार। ये मशीन तो सबसे बेस्ट काम कर रही थी, कोई इसके अंदर जा ही नहीं सकता। अरे यार इसे तो लग भी रहा है। ओहो, अब तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसे बचाऊं। यार आखिर अपना वर्ल्ड है बे, किसी को मैं मरने कैसे दे सकते हैं? नहीं नहीं, मुझे नीचे जाना होगा, मैं जा नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है मुझे डायरेक्ट हाई जंप लगानी पड़ेगी। और ये अंदर पहुंच गया। एक सेकंड, लेकिन अभी से बाहर कैसे निकालूं? मैं खुद भी फंस गया हूँ यार, बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। ए भगवान, रुको रुको भाई। अरे ये तो मर गया यार। ए, इसे बचाने आया था मैं, क्या करके गया ये? और ये एक और आ रहा है, ये तो नीचे गिरा नहीं, वो विलेजर जरूर गिर गया भाई। अब मैं फंस गया हूँ यहाँ पर। अब यहाँ से निकले कैसे? ए कुछ यहाँ से लगा के जाना पड़ेगा, लेकिन ये भी तो हो नहीं रहा है। कहाँ मैं गाड़ी बनाने निकला था, कहाँ ये सुपरमैन गिरी कर रहा हूँ। ओ जैसे तैसे, आखिरकार अब इसको मैं अंदर नहीं डालने वाला हूँ कभी भी। अब गाड़ी बनाना है, अब गाड़ी बनाने का सामान कहाँ से ढूंढे यार? फिर तो सामान मिलने से रहा। ए ये देखो, यहाँ पर बाबा जी है। ओ भाई बाबा जी मिल गए हमें, अब तो काम आसान हो जाएगा गाइस। बाबा जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम। बाबा जी बताइए हमें गाड़ी कैसे बनानी है? यार ये तो बड़े बिजी लग रहे हैं यार, क्या मीटिंग में घुस गए? बाबा जी हमें गाड़ी कैसे बनानी है? बाबा जी बताइए बाबा जी। इनकी बात कुछ समझ में ही नहीं आ रही। ओ इनकी बात समझ में कैसे आएगी? इन अजीब से विलेजर्स की बात सुनने के लिए हमें वो स्पेशल गैजेट लगेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जी हाँ गाइस, हमें इन अजीब से लोगों की बात समझने के लिए हमें ये यंत्र चाहिए। ओके वी आर ऑल रेडी। बताइए बाबा जी अब हम आपकी बात समझ पाएंगे। जाके बिल्डिंग में ढूंढ, मेरा कान काहे को खाता है। चलो कोई नहीं, बाबा जी ने कहा है तो आगे बढ़ते हैं, देख कर आते हैं। ओके बिल्डिंगों में अब सामान ढूंढना है। मैंने एक रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया भाई, कोई भरोसा नहीं है ये बाबा जी पर तो भाई क्या ही बोले। ओ तेरी, यहाँ पर ये अजीब सा सामान मिला, लगता है यही क्राफ्टिंग डीएस, यही है, इसी से हम गाड़ी बनाएंगे गाइस। तो चलो चलो भाई, अब इससे लेकर मैं जा सकता हूँ क्या? ओके हाथ में आ गया, और इसका नाम वर्क स्टेशन है। ओके अच्छा नाम है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर ये सामान चाहिए मुझे यार। 150 आयरन इंगेट, 8 ब्लैक फूल, 6 ग्लास पेन, रेड स्टोन पैनल, तो कहाँ से लाऊंगा यार? इतना मेहनत करने थोड़ी ना आया हूँ मैं, मैंने सोचा फटाफट से गाड़ी मिल जाएगी। फिर से बाबा के पास जाए क्या? चलो यार बेइज्जती कराने चलते हैं। अरे तू जा रही, यही होगा, मुझे नहीं लगता सामान ज्यादा दूर होना चाहिए। ए इधर तो दिखा नहीं इस टावर पर तो। ओ भाई भाई सारा सामान चेस्ट में ही है, मैं क्यों फालतू की मेहनत कर रहा हूँ, मैंने ही तो रखा है। चलो इन्हें उठा लो। चलो अब गाड़ी बनाएंगे हम। ओहो ओके, सारा जो रेड था वो सब अब येल्लो हो गया, अब हमें कोई सामान की और जरूरत नहीं। लेकिन हम इसे क्राफ्ट क्यों नहीं कर पा रहे यार, क्राफ्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अरे यार ये दो चीज तो रह गई, एक सेकेंड, इसे उठाकर हम वहां रख सकते हैं क्या? ये डाई को, डाई रखने से कार रेड हो गई यार। हमें इंजन और व्हील
डील्स भी चाहिए। ये और नई दिक्कत, ओ माय गॉड, बाबा जी बहुत बिजी है। आखिर वैलेंटाइंस वीक इन्हें भी तो मनाना है। मेरी महबूबा, गो बाबा जी गो, मैं जा रहा हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। कहाँ है मेरा सामान? चेस्ट, दूसरा चेस्ट कहाँ है? हर घर में ढूंढ रहा हूँ, मुझे चेस्ट नहीं मिला। और मिल गया, हमसे कोई चीज छुपा हुआ है क्या? तो गाइस हमें मिल गया सारा सामान, अब हम चलते हैं नीचे और अब हम गनाएंगे गाड़ी। ओके, गाड़ी में लगाओ इंजन टायर। ओके, और मुझे मिल गया है व्हीकल क्रेट। यस, से लगाते ही गाड़ी निकलेगी। लॉल हो गया है तो भाई, निकल भी, क्या हो गया? धोखा हुआ है। ओ मैं समझ गया हूँ, लगता है ये क्रिएटिव मोड में होगा, पता नहीं, आई थिंक ये मोड इस तरीके से ही बनाया हुआ होगा। तो हम क्रिएटिव मोड में चलते हैं और इससे लगाया। ओ तेरी, क्या स्टाइल से गाड़ी निकली है बे, ये सबसे सही लगा है मुझे। देखो गाड़ी क्या लग रही है यार, गजब तेरी। ये देखो स्टीव क्या लग रहा है बे, लेकिन इधर क्यों बैठ गया? स्टीयरिंग व्हील तो उस तरफ है। ए रुक रुक रुक, इधर आ। क्या गाड़ी चली चली और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा गाड़ी है। दोस्तों तो बहुत गजब लग रही है गाड़ी। ओके, पहले हम इस पर ही चला कर देखते है जिसमें हम सबसे पहले फंसे थे। बहुत परेशान हुआ यार, पहले इसी में चलते हैं। ए तेरी, देखा ये काम कर रहा है। हमारा टिकटॉक है खराब नहीं हो सकता है गाइस, वो विलेजर गधा था। मैं पागल हूं। कोई नहीं, चलो हमारा गाड़ी फर्स्ट टेस्ट में तो पास हुआ यार। मुझे मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में। ये इसके ऊपर कैसे चढ़ गई? उतरी, ये तो ऐसे ही चढ़ गया। लेकिन एक सेकंड, ये विलेजर इसके ऊपर से पार हो गया था, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओ माय गॉड, इसका मतलब इसमें भाई वाले काम नहीं कर सकते। चलो चलो चलो, ये क्या हो भाई, कैक्टस से भिड़ते ही मेरी गाड़ी पूरी खराब हो गई। क्या हो गया? अरे बाप रे, एक बार और करके देखें क्या यार, मुझे लग रहा है टूट ही जाएगी। एक मिनट रेस्ट लेके देख लेते हैं। पूरी गाड़ी टूट गई, पूरा सामान आ गया मेरे पास। एक कैक्टस ने मेरी पूरी गाड़ी तोड़ दी, सारे सामान मेरे पास वापस आ गए। चलो कोई नहीं, वापस बना लेंगे हम गाड़ी, अपना गाड़ी स्टाइल से आता है यार। बैठो, गजब है यार, ये गाड़ी कहाँ कहाँ चढ़ रही है देखो ना। ओ तेरी, मुझे तो बहुत पसंद आई है, पानी से भी बाहर आ गई है, यानी वन स्टेप हिल आराम से चढ़ लेता है भाई। चलो वापस से आ जाते हैं। हमें स्टीवनी ढूंढनी थी, हम क्या कर रहे हैं? चलो मिशन स्टीवनी, किस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ या उस तरफ? चला इधर से ही चलो, कहीं ना कहीं तो रास्ता मिल ही जाएगा। अरे यार, यहाँ से तो आगे मुझे रास्ता दिख नहीं रहा है अच्छे से, तो पानी ही पानी है बे। मुझे नहीं लगता गाड़ी ज्यादा आगे जा पाएगी। अरे मेरी गाड़ी नीचे चली गई बे, गाड़ी बे यार, ये कहाँ फंस गई, मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ और यहाँ पर तो पानी पानी है भाई। अब नया गाड़ी बना के भी कोई फायदा नहीं है, मुझे ऊपर से जाना होगा अगर मुझे सच में स्टीवनी को ढूंढना है तो। और ऊपर से जाने के लिए हमें क्या चाहिए गाइस? तो चलो अब प्लेन बनाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब प्लेन के मजे लेंगे फटाफट से। यहाँ पर इसी क्राफ्टिंग टेबल में प्लेन भी बनता है। ओके, और हमारे पास सारा सामान अवेलेबल है और हमें मिल गया है फिर से व्हीकल क्राफ्ट। इसे लगाएंगे, ये तो ये तेरी, ये सबसे बेस्ट है यार, मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है यार। इसमें बैठना जल्दी, क्या गजब लग रहा है यार। अरे चली यार, ये उल्टा खड़ा कर दिया मैंने, तो घुमाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी यार, टूट नहीं जाए। पानी में गई, रुक रुक, उड़ी उड़ी उड़ना, टेक ऑफ ले। गजब भाई गजब, ओहो इतना मस्त लग रहा है यार, जितना तुम लोग को देखने में मजा आ रहा है उससे 10 गुना ज्यादा मुझे चलाने में मजा आ रहा है। देखो क्या लग रहा है ये, ओहो बादल के ऊपर आ गए यार, नीचे गेम ढंग से लोड भी नहीं हो रही, अपनी प्लेन की स्पीड इतनी हाई है यार। अपने टिकटॉक वर्ल्ड को ऊपर से देखते कैसी लगती है वो, ये देखो यार क्या मस्त लग रही है ये, एकदम ही बढ़िया। ये चीज ना यार क्रिएटिव में फ्लाई करके हमें वो मजा नहीं आ सकता जो प्लेन में बैठ कर मुझे आ रहा है, एक अलग ही फीलिंग है ये। अब मैं जो हर बार GTA गेम में करता आया हूँ वो करूंगा, चलती प्लेन से चलांग। ये सबसे मस्त लगती है मुझे, ये मैंने हर बार किया है GTA गेम्स में। GTA में मुझे सबसे ज्यादा तो यही पसंद था कि मैं प्लेन वहां पर ऐसे उड़ाता था ना यार। तुम लोगों को GTA की गेम प्ले देखनी है कि नहीं मुझे बताओ, मैं वो भी जरूर डालूंगा। अभी एक और बार करके देखते हैं। अरे यार अभी आगे चलते हैं, अभी हमें स्टीवनी को ढूंढना है यार। ये गेम इतनी धीरे धीरे लोड हो रही है नीचे, ये प्लेन की स्पीड बहुत तेज है यार, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ जरूर होगा। ओए हो गया, क्या लैग हुआ है।
क्या गंदा लैग हो रहा है, प्लेन घुमाओ यार, क्या गंदा लैग हुआ है। बोलते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई, लैग होने से एटलीस्ट हमें वो घर तो मिला, प्लेन लैंड करा दी। और यहाँ पर देखो, ये देखो पिंक कलर का घर, अगर किसका हो सकता है ये पिंक कलर का घर, ये घर हमारे स्टीवनी का है। क्या लग रहा है यार ये घर, देखो क्या लग रहा है, हमारे स्टीव के चेहरे पर खुशी देखो। एहे, रहा नहीं जाता। ओके यार, लेकिन ये घर तो खाली खाली लग रहा है मुझे, चले के अंदर में। लेकिन ऐसे बिना बोले यार घर के अंदर जाना अच्छा भी नहीं लगता है, लग भी नहीं रहा कोई घर के अंदर है यार, ऐसे कैसे चले जाए, तो कोई डोरबेल भी नहीं है अभी, अच्छा नहीं लगेगा एक लड़की के घर में ऐसे जाना। लेकिन चलते हैं, अब क्या करें, इसका दिल तो है आवारा। ओके यहाँ तो एक्सक्यूज मी एनीवन, कोई नहीं है, नीचे भी चल के देख ही लेते हैं, अब इतना अंदर आ ही गए हैं तो। ओके मैं नीचे तो आ गया हूँ और यहाँ पर भी कोई नहीं है। ये बोर्ड लगा हुआ है, एक सेकेंड, बोर्ड पर क्या लिखा है, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। गाइस अपना स्टीव हो गया बावड़ा, मुझे नहीं लगता इसे इस जन्म में लड़की मिलने वाली है। ये स्टीव मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया है, स्टीव पागल हो गया है यार। इसका गुस्सा शांत करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और आज तो नीचे यही कमेंट कर दो, नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है।